नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरीके से जो बिचौलिए हैं, जो दलाल है, वे भी सक्रिय हो जाते हैं। इस वक्त जिस तरीके सूची जारी की जाती है अफीम पॉलिसी को लेकर, किन किसानों का नाम आया, तो उससे पहले तो भारतीय किसान ग्राहक पंचायत है, उसने भी अब हल्ला बोल करते हुए एक ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँच कर सौंपा है और मांग की है कि इस तरह की कोई रूपरेखा बनाई जाए, किसी भी सूची जो है किसान के घर पर पहुंचे या फिर पंचायत में पहुंचे, वहाँ चस्पा की जाए, ताकि किसानों को पता चले कि किन किन किसानों को पट्टा मिलने वाला है और जो ठग होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनसे किसानों को बचाया जा सके। जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी टीम भी कहती आई कि दलाल सक्रिय हो जाते हैं अफीम पॉलिसी जारी होने से पहले और किसानों को ठगते हैं कि हम आपका नाम जुड़वा देंगे, आपको पट्टा दिलवा देंगे और बड़ी रकम जो है किसानों से हेड़ी जाती है। इस तरह के कई खुलासे वॉइस एमपी ने पूर्व में किए। ऐसे में बात करें तो एक बार फिर जो है इसी मामले को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने उठाया। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से जब ज्ञापन देने पहुंचे थे तो क्या कहा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्य ने। अफीम के नए पट्टे जारी होने वाले हैं। लगभग नीमच जिले या मंदसौर जिले या राजस्थान के आसपास के अपने मालवा और मेवाड़ में 45,000 के आसपास अनुमानित नए पट्टे जारी होंगे। हर साल जो पट्टे जारी होते हैं नए पट्टे, उसमें बिचौलियों का रूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिचौलिए नए पट्टे में कृषकों का नाम जुड़ाने के लिए उनको प्रेरित बोलते हैं कि हम नाम जुड़ाएंगे, हमको इतना पैसा दो। तो ये कृषो जो भी हमारे किसान बंधु हैं उनका शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए हमने ये वित्त मंत्री जी को कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदन दिया है कि ये शोषण बंद किया जाए और डायरेक्ट सूची या तो पंचायत कार्यालय पर चस्पा करी जाए या पत्रकार के माध्यम से जारी करी जाए, ताकि ये बिचौलियों का जो शोषण करते हैं अपने कृषक भाइयों का, वो शोषण रोका जाए। ये अभी हमने शुरुआत करी है और इसके हम आगे वित्त मंत्री तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और निर्देशित करवाना चाहेंगे नारकोटिक्स ब्यूरो को कि ये जो बिचौलियाँ हैं और ये शोषण मुक्त हो रहा है हमारे कृषक भाइयों का, उसमें हम कार्य आगे तक फॉलोअप करके करेंगे। जो जो शिकायत हमें प्राप्त होती जाएगी उसी जानकारी हम आगे तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा संगठन इसके लिए एकत्रित होकर खड़ा है दिल्ली तक।